भागे चली गई, बजाए जो भी बात तुम्हारी दूर। ये लो। ओए, तुम रेडियो की बेटी हो? नहीं नहीं, थैंक यू। बड़ा अच्छा कर रही थी आप, 10 रुपए का और कर दीजिए। साले इधर मूंगफली लेने आया। बात सुनिए, मैंने तेरे थप्पड़ मारा, 10 रुपए का और कर दीजिए। सर मेरी बात सुनिए, कुछ भी हो जाए मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी। क्यों नहीं शादी करनी भाई, लड़की में कमी क्या है जो शादी नहीं करनी? करेंगे कितना अच्छा करती है वो। तो खुद कर लो, आप कर लो शादी, करो इसके साथ शादी। देखो जी मेरी बात सुनिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं उधर चाय बनाता हूँ, ये डॉक्टर बहुत अमीर है, आप इसके साथ शादी कर लीजिए, बहुत खुश रहेंगी आप। तेरे को क्या पता खुश रहेगी कि नहीं रहेगी वो? भाई मेरा जी पेंचर का काम है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। डॉक्टर पेंचर वाला। इतना इतना आपके मुंह में थूक है, आप कहाँ से गरीब है? तो तेरे को दे दो थोड़े से जायदाद अपनी। देखिए डॉक्टर साहब, आप गरीब आदमी हैं, उसकी चिंता ना करें आप। माशाल्लाह जितने लंबे दांत हैं लड़की के, गरीबी तो आपकी 2 दिन में काट देगी। नहीं नहीं, लेकिन उसके बाद घर की जो रजाइयां फाड़ेगी उसका क्या करूं मैं? तो मेरी गलती है वो, मेरी गलती है, रजाई है। अरे नायलॉन का कंबल यूज कर लो तुम। और वैसे भी शादी करके तुम गरीब नहीं रहोगे, मेरे पापा 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं। एक मिनट, करोड़ों की बातें हो रही भी, बुजुर्ग निकले यहाँ से, चलो हाथा खा सकता है। करोड़ों की बातें आपने पहले बताया नहीं, आपके पिता आपको मैंने बताया नहीं एक्चुअली। तो आपका दुल्हा मैं ही हूँ, ये देखो मेरा शेर। नहीं नहीं जी, मेरा शेर रेडी है। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। देखो जी शेर है, मैंने पहना हुआ, देखो जी। आप फेरे लीजिए जी, मेरे साथ आइए जल्दी, 1 मिनट। मैंने बाल पकड़ के मैं आपका दुल्हा हूँ जी, मैं मरते दम तक आपका साथ रहूंगा, बल्कि आपको पहले मारूंगा फिर बाद में मरूंगा। ओए मेरी बात सुनिए, आप इधर चोर पकड़ने आए कि शादी करने के लिए आए हैं? प्लीज इधर हो जाइए। 1 मिनट जी, मेरे फेरे होंगे जी। तेरी वजह से बच्चे की पिटाई हो रही है। वेट, और मैं सर उधर जा रहा हूँ, कहाँ है मुझे उधर कोई। देखो तुम मेरी दुल्हन हो, मुझे तुम्हारे दांतों से बहुत प्यार है। नहीं नहीं, मैंने पहली बार तुम्हारे दांत देखे थे, मेरी मसूड़ों में खुजली होने लगी थी। चलो हट जाओ पीछे। नहीं आपकी बेटी क्या बराबर की है, वो क्या कर रहे हैं? चलिए आ जाओ। अरे मेरी बेटी तो खुद अपने बराबर की नहीं है, जब वो अपने आप को मापती है 2 इंच छोटी हो जाती है, मेरी बेटी के बराबर की। तेरे को बड़ा पता। एक मिनट, ऐसे सडनली मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो मेरा स्वयंवर हो रहा है ना, उसके लिए जो आप तीनों में से मेरे को खुश करेगा वो मेरा पति। मैं खुश करूंगा, मैं खुश कर। ओए मैंने डंडा मारना है तेरे, तो ऐसे खुश हो जाएगा वो। एक मेरी बात सुनिए, आप डंडे के साथ काम मत लीजिए। वो खुश हो ना हो, तेरे मैंने सुझा देना कुछ ना कुछ। मैं सुनाऊंगा, एक चुटकुला सुनाता हूँ आपको खुश करने के लिए। इशाद शेर नहीं सुना रहा मैं। एक बार ना एक हाथी को देखिए, ये काम सिद्धू साहब का है, आप मत करें। भाई चुटकुला पूरा हो गया ना, हाथी को हो गया। देखिए राइट लेफ्ट तो आपने बड़ी बार थप्पड़ खाया, कभी फ्रंट पे खाया? पूरा चुटकुला सुन मेरा। हाथी को एक बार रिश्ता आता है चींटी का, तो चींटी के घर वाले मना कर देते हैं। पूछो क्यों? क्यों क्यों? कहते लड़के के दांत बाहर है। फिर आगे आगे तुम्हें हंसी नहीं आई? मैंने तो ये जब चुटकुला सुना था मैं हंस हंस के मर गया था, मेरे को बहुत हंसी आई थी। आपने शायद सुना नहीं, कानून के चुटकुले बहुत लंबे होते हैं। कानून के तो हाथ लंबे होते हैं जी। मेरे को पसंद नहीं, ऐसा लग रहा है डायरेक्टर मेरी बेइज्जती हुई है। और कुछ सुनाओ कुछ। मैं सुनाता हूँ जी। एक बार ना एक आदमी होता तो कहता है मैं मच्छी नहीं खाता, मच्छी में कांटे होते हैं। तो दूसरा आदमी कहता है तो चप्पल पहन के खा लिया कर। बिल्कुल मुंह जैसा चुटकुला सुनाया इन्होंने। मैं सुनाता हूँ, मेरी बारी है। मेरे को तो बड़ी हंसी आई थी, मैंने पहली बारी सुना था। अभी फिर आएगी तेरे इधर। लो जी एक बार हाथी होता है। लो जी क्या होता है? लो जी। लो जी एक बार चींटी होती है। हाथी होता था पहले, अभी कह रहा चींटी होती है, तो अपनी बात पे यकीन नहीं है यार। मैंने चुटकुला थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक बार एक चींटी होती है उसको मॉडिफाई तेरे को किसने सिखाया? अभी तू तो चाय बेचता है, तेरे को मॉडिफाई किसने सिखाया? ये मॉडिफाई तेरे को आया कैसे? चुटकुला सुना दोबारा। इधर आ जाइए। ये क्या चुटकी? ये चुटकुले की किताब है, इधर आएगी, इसमें से पढ़ के सुनाना तूने। यार सुनाने दो, आपने खुश होना कि नहीं होना? हट जा, मेरा पति है ना, हट जा। शाबाश, आओ आओ आओ, करो करो करो, मजा आ रहा है। सीधी कहीं भी नहीं जा सकती, हर जगह ऐसे ऐसे करके जाती। लो जी
एक बार जी मैं कूनी मारनी तेरे मैं एक बार एक चीटी होती है दो बार क्यों नहीं होती जी मार दो गोली इसको मारू मेरी आगे डंडी कौन तोड़ के ले गया ये खा गई होंगी अच्छा एक बार एक चींटी होती है उसको हाथी का रिश्ता आता है लेकिन चींटी के घर वाले मना कर देते हैं पूछो क्यों मैंने नहीं पूछता मैं क्यों पूछता कहते लड़के के दांत बाहर हैं तो मैंने जो पहले सुनाया था वो गलत था वो नहीं मेरी वाली चींटी लाल थी ना तेरी वाली चींटी लाल थी हाँ जी तो तेरी लाल करता हूँ मैं तुम बकवास कर रहा है तेरे को मैंने सबसे पहले खुश किया 2 करोड़ आप सच बताइए किससे खुश हुई है लाल एक दांत का 1 करोड़ 2 करोड़ मच्छी वाला चुटकुला बेस्ट था कि नहीं आप खुद बताइए आप अपने जिसको भी मानती है उसको बताइए सोच के अच्छा मुझे 10,000 रुपए दे दे कोई बात नहीं देखो भाई ऐसे चुटकुले जोक वो कॉमेडी नहीं करनी मेरे को गाना सुनाओ किसको गाना आता है तो सिंगर मेरे मुंह पर फेंक दिया सिंगर बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी हुजूर जिंदगी में हुजूर आप आए कदम चूम लूया आंखें भेजा दूं लमे जगह लमे लारे हुजूर आप आए बहुत शुक्रिया मैं शम्मी कपूर हूँ मेरी नूतन बन जा हम दोनों कश्मीर की कली चलो मेरी बीबी तो चलो 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 बड़ी मेहरबानी हुजूर जिंदगी में ओ देवानंद किधर गई उधर देखा किधर गया ए किधर लेके भाग गया कहीं वो हमें दुलिया तो नहीं बना गया और दुलिया नहीं उसको हमने मुझे पता क्या कहते हैं उसको हाँ तो अब क्या करें आप इधर आ देख किधर है वो चला इसको उधर देख मैं देखता हूँ आइए सर जल्दी आइए सर नानी 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 टप्पू 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 अरे वाह अमर अकबर एंथनी तीनों आ गए अरे नानी अमर अकबर एंथनी नहीं तूने मेरे को फोन किया था ना पुलिस को ले गया तो पुलिस छोड़ मैं सीआईडी ले गया हूँ सोनी पर पुलिस आती भी नहीं है सिर्फ सीआईडी आते हैं लेकिन वो लोग तो 10 बजे आते हैं ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए देखिए आपके यहाँ चोरी 9 बजे हुई तो 10 बजे तक क्यों इंतजार करें ये बताओ चोर कहाँ भागा बताओ एक मिनट कितना फ्लैट पूछ रहे हो कपिल तो स्टाइल में सीआईडी वाले स्टाइल में हाँ तो बताओ नानी आपने उसे भागते हुए देखा किस तरफ भागते हुए वो उस तरफ भागा और वो बहरा भी था ये आपको कैसे पता चला मैं चिल्ला रही थी चोर 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 पर वो सुना नहीं भागता गया नानी ऐसा हो सकता है कि उसका नाम चोर नहीं होगा कुछ और होगा अब रमेश को सुरेश करके बुलाओगे तो रुकेगा क्या वो कप्पू इनके सवालों का जवाब तू दे दे सारे जवाब मैंने इन्हें ही दे दिए तो भगवान को क्या जवाब दूंगी मैं जल्दी हूं चोर पकड़ा गया सीआईडी ने चोर पकड़ लिया ओ चोर पकड़ लिया इसका मतलब कप्पू चोर है डॉक्टर साहब का दिमाग खराब है सीआईडी वालों को मैं बुला के लाया उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं है आपके बुलाने पर तो ऑटो रिक्शा नहीं आती सीआईडी वाले कहां से आएंगे सही बात यही रात भर गायब रहे मुझे लगता है यही चोर है नहीं डैडी हाँ। कप्पू का चोर नहीं है अच्छा मैं बताता हूँ बताओ बताओ बेटा चोर कौन है नहीं इस तरह से बात नहीं करते बच्चों के साथ बेटा बताओ शेमी बात किया कौन चोर है चोर इस मोहल्ले का नहीं था बाहर से आया था लगता है बच्चा सच बोल रहा है जी सर मुझे भी लगता है कि बच्चा सच बोल रहा है दया सर इसका मतलब समझ गए हाँ सर इसका मतलब है ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है वाह भाई वाह मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका मतलब ये भी हो सकता है
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.